दिस इज़ मनीषा चहान एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन एंड फॉर बायोलॉजी आज के इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएससी एस एंट्रेंस 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो सीरीज़ का तो शुरू करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एअटिक आर्च सिक्स गिवज राइज टू दल्नरी आर्टरी बट मेन्टेन इट्स कनेक्शन विद द डॉर्सल एटा थ्रू एटिक आर्चिज़ होती हैं ब्लड वेसल्स या आप इन्हें कह सकते हो एम्ब्रियोलॉजिकल जब हार्ट और आर्टरीज़ का डेवलपमेंट हम देखते हैं ना तो हम एआर्टिक आर्चिस को स्टडी करते हैं देखो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं ना उन सभी के अंदर एयर्टिक आर्चिस शुरुआत में एक जैसी प्रेजेंट होती है जब एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है उस दौरान तो ये सेम रहेंगे एयोर्टिक आर्चिस फिर जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप कर रहा है उस दौरान इनकी मॉडिफ़िकेशन होती है मॉडिफ़िकेशन किस चीज़ पर डिपेंड करती है इस चीज़ पे कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके का रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज़ कर रहा है वो गिल्स यूज़ कर रहा है वो लंग्स यूज़ कर रहा है या किस तरीके से वो वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अकॉर्डिंग ये जो एयर्टिक आर्जेज़ हैं इनकी डेवलपमेंट होती है या इनकी मॉडिफिकेशन होती है ठीक है शुरुआत में सभी में सेम होगी वर्टिब्रेट्स के अंदर और फिर लेटर ऑन ये डेवलपमेंट के दौरान मॉडिफाई होती जाती है ठीक है सभी के अंदर डिफरेंटली सभी ग्रुप्स के अंदर अगर मैं कहूँ तो डिफरेंटली सुनाओ so ये होती हैं टोटल सिक्स ठीक है वेंट्रल और डोर्सल एअटा को ये कनेक्ट करके रखती हैं अब होता ये है कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो मैंने कहा कि ये मॉडिफ़ाई होती है तो मॉडिफाई होके या तो ये कुछ और बना देंगी है ना या फिर ये डिसअपियर हो जाएंगी ठीक है तो यहाँ पे ये जो शेडेड दिखाए हुए हैं ना ये डिसअपियर वाले हैं यानी कि आर्च वन इन टू भी डिसअपेयर होगा और फिफ्थ भी डिसअपेयर होगा लेकिन वन इन टू जो है वो डिसअपेयर तो होगा बट आर्च वन जो है वो मैक्सिलरी आर्टरी बनाएगा और टू स्टेपेडियल आर्टरी बनाएगा और खुद डिसअपेयर्ड है ठीक है जो थर्ड है वो कैरोटेड आर्टरी बना रहा है ये डिसअपेयर नहीं हो रहा है जो फोर्थ है वो राइट सब क्लेवियन बना रहा है और लेफ्ट एआटिक आर्च बना रहा है ठीक है इतना क्लियर है फिफ्थ वाला जो है वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाता है और ये कुछ बना के भी नहीं जाता है सिक्सथ वाले के बारे में हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है तो सिक्स पे एक बार फोकस करके देखेंगे ये बनाते हैं पल्मनरी आर्टरीज ठीक है ये चीज़ तो बहुत ही बेसिक सी है कि ये बनाते क्या है ये पल्मोनरी आर्टरी बनाते इनके अंदर एक डिफरेंट सी चीज़ ये है कि ये राइट साइड से तो डिसअपेयर हो जाते हैं कम्प्लीटली लेकिन जो लेफ्ट वाली साइड है ना वहाँ से ये बनाते हैं डक्टस आर्ट्रियासिस क्या बनाते हैं डक्टस आर्ट्रियासिस ये जो डक्टस आर्ट्रीओसिस है इसके थ्रू ये कनेक्टेड है विथ डोर्सल एटा तो यही चीज क्वेश्चन में पूछा था कि जो एयटिक आर्च सिक्स है ये पल्मोनरी आर्टरी बना रहा है ठीक बात है यह अपना कनेक्शन डोर्सलोरटा से बना के रखता है वाया वॉट थ्रू वॉट तो वो आपका डक्टस आर्ट्रियासिस है यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है एस यू एस होगा ठीक है डक्टस आर्ट्रियासिस के थ्रू ये कनेक्शन बना के रखता है एअरटा से तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन सेवनटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियंस हैज़ पार्शियल इंटरवेंटिकुलर सेप्टम इन हार्ट हार्ट की बात हो रही है ये जो एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं ना इनके पास होता है थ्री चैम्बर्ड हार्ट है ना और किसके पास होता है लंग फिश के पास होता है थ्री चैम्बर्ड हार्ट एम्फीबियंस के पास होता है रेप्टाइल्स के पास होता है रेप्टाइल्स के, के अंदर एक एक्सेप्शन है बहुत ही फेमस क्रोकोडाइल वो पढ़ना है आपको अभी यहाँ पे ये चीज़ पूछी हुई है कि पार्शल इंटरवेंटिकुलर सेप्टम हार्ट के अंदर कौन से एम्फीबिया में प्रेजेंट होता है तो देखो एक तो होता है हमारा लंग फिश एक होता है हमारे एम्फीबियंस के अंदर आते हैं यूरोडील्स है ना यूरोडीज़ के अंदर एक जीनस है जिसे हम बोलते हैं सायरन ठीक है उस जीनस की यहाँ पे हमें बात करनी है ये जो साइरन जीनस है ये एक्वेटिक सेलमेंडर्स का होता है अगर हम इनका हार्ट देखें मुझे इनके हार्ट की पिक्चर नहीं मिली है बट इनका हार्ट इसके लंग फिश के हार्ट से सिमिलर है तो लंग फिश के हार्ट के पिक्चर से समझते हैं यहाँ पे देखो ये जो वेंट्रिकल है इसकी डिवीजन हो रही है यहाँ पे ये यह जो चीज़ प्रेजेंट है इसके थ्रू इनकी डिवीजन हो रही है वेंट्रिकल की ये वाला पार्ट बन गया और ये वाला पार्ट लेकिन क्या ये डिवीजन कम्प्लीट है नहीं ये पार्शियल डिवीजन है तो ये जो पार्शियल डिवीजन हो रही है ये हो किस रही ये इंटरवेंटिकुलर सेप्टम के थ्रू हो रही है तो इसी को हम बोल देते हैं पार्शियल इंटरवेंटिकुलर सेप्टम कहाँ प्रेजेंट है हार्ट के अंदर प्रेजेंट है ये किसका डायग्राम है ये लंग फिश का है बट इसी तरीके से ये जो सेप्टम है पार्शियल इंटरवेंटिकुलर सेप्टम ये यूरोडील के साइरन जीनस के अंदर भी मिलता है ठीक है और यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर पूछी हुई है कि ये जो पार्शल इंटरवेंटिकुलर सेप्टम है हार्ट के अंदर मिलता है एम्फीबियंस के अंदर कौन से एम्फीबियंस के अंदर तो ये साइरेंस के अंदर मिलता है बाकी सब में ये नहीं मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन दैट इज साइरन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन विच पार्ट ऑफ द मिडिल ईयर ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन टू फेनेस्ट्रा रोटुंडा ऑफ इंटरनल ईयर यानी कि मिडिल ईयर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो वाइब्रेशन देगा फेनेस्ट्रा रोटुंडा को फेनेस्ट्रा रोटुंडा क्या है फेनेस्ट्रा रोटुंडा आपका राउंड विंडो होता है ऑफ कॉकलिया कोकलिया के अंदर राउंड विंडो होती है ओवल विंडो की हम बात करते हैं तो ये जो राउंड विंडो होती है ना उसी का नाम है फेनेस्ट्रा रोटुंडा या तो राउंड विंडो भी लिख के आ सकता था या फेनेस्ट्रा कॉकलिया लिख के आ सकता था या फिर फेनेस्ट्रा रोटुंडा तो इन्होंने फेनेस्ट्रा रोटुंडा लिखा है ठीक है अब इन्होंने पूछा कि वाइब्रेशन इसके पास आई कहाँ से मिडल ईयर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसको वाइब्रेशन से रहे तो जो ईयर के अंदर वाइब्रेशन की जो जर्नी होती है एक बार ही वो देख लेते हैं जब हम बात करते हैं तो चीज़ें वाइब्रेट करती हैं मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं और वही वाइब्रेशन हमारे ईयर के अंदर ट्रैवल करती हैं और ट्रैवल करते 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 ईयर ड्रम तक पहुंच जाती हैं ईयर ड्रम लिखा आएगा या तो क्वेश्चन में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया या फिर क्या लिखेंगे टिम्पैनिक मेमब्रेन एक ही चीज़ है ठीक है तो वो ईयर ड्रम तक पहुँची अब ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगेगा मेलियस ईयर ड्रम से जॉइंट होती है अपने प्रॉक्सिमल एंड से यानी मेलियस का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से ज्वाइंट है अब जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट कर रही है तो मेलियस भी वाइब्रेट करेगा क्योंकि कनेक्टेड है फिर मेलियस से कनेक्टेड है इनकस तो मेलियस वाइब्रेट करें इनकस भी करने लगेगा इनकस से कनेक्टेड है स्टेपीज वो भी वाइब्रेट करने लगेगी अब ये जो स्टेपीज़ है ना यहाँ पे जो ओवल विंडो होता है ये स्टेपीज उस ओवल विंडो के अंदर मूव करती है एक तरीके से मतलब उसको धक्का लगता है वाइब्रेशन हो रही है ना तो धक्का भी लगेगा वो भी मूव करेगी तो ये जो स्टेपीज है इट मूव इन टू ओवल विंडो जिसकी वजह से जो राउंड विंडो है वो मूव आउट करती है तो जब जब ये ओवल विंडो वैसे धक्का लगता है तो राउंड विंडो बाहर की तरफ मूव करती है तो इस मूवमेंट की वजह से कोकलिया के अंदर फ्लूइड मूवमेंट होती है जिसकी वजह से हम सुनते हैं वो चीज़ें अलग हैं अभी हमें राउंड विंडो पर फोकस करना है ठीक है इस राउंड विंडो को कौन सा मिडल ईयर का कौन सा पार्ट है जिसने इस राउंड विंडो को वाइब्रेशन ट्रांसमिट की अभी हमने जर्नी देखी थी कौन सा पार्ट है मिडल ईयर का वो स्टेपीज है तो स्टेपीज ने राउंड विंडो को वाइब्रेशन दी तो यहाँ पे यही चीज़ पूछी थी तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन थर्ड चेंबर इन द स्टमक ऑफ अ र्यूमिनेंट मैमल इज र्यूमिनेंट मैमल्स के अंदर जो स्टमक होते हैं वो होते हैं चार चार चेंबर्स होते हैं मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं हम तो जो चार हैं उनमें से थर्ड चेंबर का नाम पूछा हुआ है सिंपली ठीक है तो यहाँ पे जो चार चेंबर्स होते हैं हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे ठीक है पहला होता है र्यूमन दूसरा होता है रेटिकुलम तीसरा होता है ओमेजम एंड चौथा होता है एबोमेजम तो आंसर तो हमारा ओमेजम हो जाता है यहाँ पे ठीक है थर्ड पूछा था थर्ड होता है ओमेजम आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है अब आगे देखते हैं ये इनके ऑल्टरनेट नेम्स हैं ठीक है ये भी आपको लर्न करने हैं अब इनके बारे में कुछ फीचर्स देखते हैं सबसे बड़ा इनमें से होता है र्यूमन ठीक है यहाँ पे फर्मेंटेशन होती है यहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है वॉलीटाइल फैटी एसिड्स की या तो वी एफ ए लिखा आएगा या फिर वॉलेटाइल फ़ैटी एसिड्स लिखा आएगा ठीक है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो र्यूमन की बात कर रहे हैं यानी कि अगर लार्जेस्ट पूछ रहे हैं फर्मेंटेशन कहाँ हो रही है माइक्रोब्स की ग्रोथ कहाँ पे रैपिड हो रही है वॉलेटाइल फ़ैटी एसिड्स कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं र्यूमन के अंदर हो रहे हैं फिर आता है रेटिकुलम ठीक है ये हनी कॉम इसे हम कहते हैं इसके अंदर जो भी मतलब मेटल उन्होंने खाया है हैवी फूड खाया है डेंस फूड खाया है वो सारा यहाँ पर आता है अगर इस मेटल वग़ैरह की वजह से कोई डिजीज़ होती है तो हम उसे हार्डवेयर डिजीज़ कहते हैं ठीक है फिर आता है थर्ड ओमेजम ये थर्ड चेंबर है क्वेश्चन में पूछा होता है इस वजह से ये हमारा आंसर है यहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है और दूसरी जो भी एबजॉर्प्शन है वो यहाँ पे होती हैं अब आता है एबोमेसम एबोमेसम जो होता है ये ट्रू स्टमक कहलाता है इसलिए कहलाता है ये ट्रू स्टमक क्योंकि ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है क्योंकि एच भी यहीं पे रिलीज़ हो रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी यहीं पर रिलीज हो रहे हैं और ये सारी की सारी चीज़ें जो नॉन र्यूमिनंट मैमल्स होते हैं या जो नॉन रूमिनंट स्टमकस होते हैं उनके अंदर भी ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं तो जो एबोमेसम है इसकी फंक्शनिंग नॉर्मल जो स्टमक होता है नॉन र्यूमिनंट मैमल्स के अंदर जो स्टमक होता है उसके अंदर जो फंक्शनिंग है उससे सिमिलर है इस वजह से हम इसको ट्रू स्टमक कहते हैं ठीक है ये हो गई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन अच्छा एक और चीज़ जो र्यूमन और रेटिकुलम है अगर इन पूछा जाए कि इनको मिला के क्या कहते हैं तो हम उसे र्यूमिनो रेटिकुलम कहते हैं ठीक है अब क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था थर्ड चेंबर का नाम दैट इज ओमेसम तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द टाइप ऑफ जो सस्पेंसोरियम इन शार्क इज शार्क के अंदर किस तरीके का जॉ सस्पेंशन प्रेजेंट होता है ये चीज़ पूछी हुई है जॉ सस्पेंशन चार तरीके के होते हैं ठीक है ये होते क्या है जो स्कल है वो किस तरीके से अपर एंड लोअर जॉ से अटैच्ड है उसको हम बोलते हैं जॉ सस्पेंसोरियम मतलब उसके अकॉर्डिंग हमने चार तरीके से इसको डिवाइड किया हुआ है अब इस अटैचमेंट में हेल्प करती है मैंडिबुलर यानी कि जिसे हम बोलते हैं हाओो मैंडीबिलार और दूसरी होती है हाओइड आर्च ठीक है ये आर्चिस के बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं ठीक है तो ये जो चार तरीके की होती हैं जॉ सस्पेंसोरियम अकॉर्डिंग टू दी अटैचमेंट विद स्कल जॉ की अटैचमेंट स्कल से कैसे हो रही है उस अकॉर्डिंग चार तरीके की जो होती है उनका नाम होता है एक तो ऑटो डाय होती है एक एम्फी स्टाइलिक एक हाइयो स्टाइलिक एक होती है ऑटो स्टाइलिक ठीक है एक एक करके देखेंगे ऑटो स्टाइलिक क्या होता है यहाँ पे हायोइड आर्च का कोई काम नहीं है यहाँ पे हायो मैंडिविला भी कोई काम नहीं कर रही होती है मतलब ये सपोर्ट नहीं करती हैं इस अटैचमेंट को तो अटैचमेंट कैसे होता है लिगामेंट के हेल्प से होता है जो जॉ है और जो स्कल है उनको अटैच करने का काम कौन कर रहा है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट कर रहा है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो तो ये हो गया हमारा ऑटोडाइस्टेलिक फिर आता है एम्फीस्टाइलिक एम्फी के अंदर क्या होता है मैंडिबुला भी काम कर रहा है हायोइड भी काम कर रहा है तो ये दोनों ही इन्वॉल्व हैं इस अटैचमेंट में ये जो स्कल एंड जॉ की अटैचमेंट है इसमें ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं दूसरी चीज़ यहाँ पे भी लिगामेंट है लेकिन उनके अंदर यहाँ पे बेसल प्रोसेसिस हैं और ओटिक प्रोसेस हैं जिसकी हेल्प से ये जो जॉ है ये इस स्कल के अंदर एकदम से एम्बेडेड है ठीक है प्रोसेस का यहाँ पे काम है और याद रखना इंटीरियर का कौन सा प्रोसेस है बेसल प्रोसेस पोस्टीरियर लिगामेंट वाला कौन सा प्रोसेस है ओटिक प्रोसेस तो उसकी हेल्प से यहाँ पे जो हमारा जॉ है वो स्कल के साथ एम्बेडेड है तो इसे हम बोलते थे एम्फी स्टाइलिक ठीक है उसके बाद आता है आपका हाइयो स्टाइलिक हायोस्टाइलिक के अंदर क्या होता है लिगामेंट का नाम यहाँ पे चेंज है एथमोपेलेटीन है और ये हमारा स्पाइरा है तो इनका भी नाम आपको याद रखना है इसके अलावा जो आर्चेज़ हैं उनमें भी तीन नाम है यहाँ पर हायोमेंडिबिलर है सिराटोहायल है एंड बेसी हायल है तो ये तीन नाम आपको यहाँ पे याद रखने ये जो हायो वाला है हायोस्टाइलिक यही है हमारा आंसर शाक के अंदर इस तरीके की हमारी अटैचमेंट होती है जौ की और स्कल की ठीक है तो यहाँ पे जो सस्पेंस सोरियम हमारा शाक का पूछा होता था तो वो हाइस्टाइलिक इसका आंसर है इसके अलावा जो हमारा ऑटोस्टाइलिक है ये हमें मिलता है लंग फिश के अंदर टेट्रोपोर्ट्स के अंदर या प्लैकोडोम्स के अंदर यहाँ पे जो अपर जो है ना पूरा का पूरा जो है वो स्कल के साथ फ्यूज होता है एंटायर अपर जॉ जो, जो है वो स्कल के साथ यहाँ पे फ्यूज है तो यहाँ पे जो क्वाड्रेट बोन है इस अपर जॉ की उसकी हेल्प से लोअर जो जो है वो इससे अटैच्ड है इसके अलावा यहाँ पे जो हाईयो मैंडिबुलर है वो मॉडिफाई होके ईयर का जो स्टेपीज होता है वो बना लेता है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से पढ़नी है इसके अलावा भी जो पढ़ सकते हो इसके बारे में वो पढ़ लेना बेसिक मैंने बता दिया तो यहाँ पे शाक का पूछा था आप सबके एग्जाम्पल लर्न करके जाना किसमें कौन सा एग्जाम्पल आएगा बोनी फिश में कौन सा होता है एक्सेट्रा एसेट्रा शाक में होता है हाई स्टाइलिक ठीक है थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज इंक्लूडेड इन द नियो ट्रॉपिकल फोनल तो आपको राम्स के बारे में याद करना पड़ेगा जू जियोग्राफिकल र्याम्स होते हैं कुछ वो आपको लर्न करने हैं ठीक है ठीके? ये टेबल है इससे रिलेटेड जितनी डिटेल्स लर्न कर सकते हो कर लो क्योंकि इस बार क्वेश्चन आया हो सकता है कहीं और किसी एरिया से इसी टॉपिक से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे न्यू ट्रॉपिक पूछा था उसकी जोग्रफी पूछी हुई है यहाँ पे दिया हुआ है साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका लोअर मैक्सिको एंड वेस्ट इंडीज़ तो यहाँ पे ऑप्शन में इनमें से कौन सा दिया हुआ है साउथ अमेरिका दिया हुआ है तो यहाँ पे ये न्यो ट्रॉपिकल फॉर्नल र्याम कहाँ पे प्रेजेंट है साउथ अमेरिका में सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू डार्स फिंचज रिप्रजेंट दी एग्जाम्पल ऑफ डार्विन फिंचज की बात करें कि ये किसका एग्जाम्पल देते हैं तो ये देते हैं अडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल क्यों देखो अडाप्टिव रेडिएशन जो होता है ना ये होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के जैसे मतलब अडाप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या डाइवर्जेंट रेडिएशन एक ही बात है ठीक है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के दौरान क्या होता है कॉमन पॉपुलेशन होती है फिर उस कॉमन पॉपुलेशन में से डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन बनती हैं जिनके अंदर थोड़े कैरेक्ट्रिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं जैसे एक कॉमन हैबिटाइट में एक पॉपुलेशन रह रही थी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाइट्स में जाकर रहना शुरू कर दिया अब क्योंकि उनके हैबिटाइट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है इस वजह से उन्होंने उन हैबिटाइट्स में रहने के लिए अपने ऑर्गन्स या अपने बॉडी के स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना शुरू किया जिसकी वजह से उनके अंदर डिफ्रेंसेज आने लगे यही होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के दौरान जैसे कि रेडियस अलना है ठीक है हमारे एनसेस्टर्स के अंदर रेडियस और अलना प्रेजेंट था अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में जाके रहने लगे कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो वाटर में जाके रहने लगे कुछ जो है वो उड़ने लगे कुछ चलने लगे तो जिन जो पानी में रहने लगे उन्होंने अपनी रेडियस अल्ना को स्विमिंग के लिए यूज़ करना शुरू किया जो उड़ रहे हैं उन्होंने उड़ने के लिए शुरू किया इसको यूज़ करना जैसे बैट्स होती हैं वो फ्लाई करती हैं ठीक है तो उनके अंदर रेडियस अलना प्रेजेंट होता है कुछ ने इसको वॉकिंग के लिए कुछ ने रनिंग के लिए कुछ ने क्लाइंबिंग के लिए तो एक कॉमन पॉपुलेशन थी जिसमें रेडियस अलना थी और वो कॉमन पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में गई ये कह सकते हो और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने एक तरीके से स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको यूज़ करना शुरू किया जिसकी वजह से वेरिएशन जो हैं वो डेवलप हो गई ठीक है यही सेम चीज़ इसी तरीके की एक चीज़ हमें डार्विन फिंचज़ में देखने को मिलती है एक एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन थी या हम कह सकते हैं एक फाउंडर स्पीशीज़ की पॉपुलेशन थी उसने डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो किया या अडाप्टिव रेडिएशन शो किया और आज की डेट में क्या देखते हैं हम कि कुछ जो हैं वो सीड ईटर्स हैं यानी कि वेजिटेरियन हैं या तो बर्ड्स पे या फ्रूट्स पे फीड कर रही हैं या सीड ईटर्स हैं कुछ जो हैं वो इंसेक्ट्स पे फीड कर रही हैं कुछ स्मॉल हैं कुछ लार्ज हैं तो इतने सारे वेरिएशंस उन्होंने क्रिएट कर लिए हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है अडाप्टिव रेडिएशन का कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या फिर अडाप्टिव कन्वर्जेंस एक ही बात है ठीक है यहाँ पे क्या होता है दो डिफरेंट डिफरेंट इन्सेस्टर्स वाली पॉपुलेशन मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन जब एक ही जगह पे आके रहने लग जाती हैं तो क्योंकि उनका हैबिटेट सेम है तो इस वजह से उन्होंने इस तरीके से रहना शुरू किया कि उनके अंदर सिमिलारिटीज़ डिवेलप हो गई हैं ठीक है तो इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कह देते हैं ये जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है इसकी वजह से एनालॉगस ऑर्गन्स बनते हैं जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है उसकी वजह से होमोलॉगस ऑर्गन्स बनते हैं तो जब भी होमोलॉगस टर्म आएगी यानी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एनालॉगस टर्म आएगी तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ठीक पैरल एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि जैसे हमारा अडाप्टिव रेडिएशन के अंदर जोग्रफिकल एरिया डिफरेंट था यहाँ पर जोग्रफ़िकल एरिया डिफरेंट होगा लेकिन अडाप्टिव रेडिएशन के अंदर डिफरेंट हैबिटेट की स्पीशीज़ के अंदर वेरिएशन थी है ना डिफरेंट डिफरेंट uh, जो कैरेक्टर्स हैं वो डिवेलप हो रहे थे या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो अपने ऑर्गन्स को यूज़ कर रहे थे बट यहाँ पे जोग्राफिकल एरिया तो डिफरेंट होगा बट सिमिलर कैरेक्टर होंगे और इसका रीज़न क्या दिया जाता है कि इन दोनों पॉपुलेशन ने जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर प्रजेंट है इन दोनों ने ही सिमिलर चैलेंजेस फेस किए और क्योंकि इनके चैलेंजेस सिमिलर थे यानी इनका कॉम्पिटिशन वगैरह या स्ट्रगल इनका सिमिलर था सिमिलर वेज़ में इन्होंने उसको टैकल किया इस वजह से इनके अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने शुरू हो गए ठीक है इसको हम बोलते हैं पैरेलल एवोल्यूशन को एवोल्यूशन जो हम देखते हैं ये प्रे प्रिडेटर या पैरासाइट होस्ट इनके अंदर देखते हैं मतलब जैसे जैसे मतलब अगर जैसे मान लो कोई प्रे है उसके ऊपर कोई प्रिडेटर जो है वो फीड करने की कोशिश कर रहा है तो जो प्रे है वो खुद को बचाने के लिए कुछ डिफेंस मैकेानिजम्स वगैरह बनाएगा है ना ताकि वो अपने आप को प्रीडेटर से बचा सके तो प्रे ने कुछ डिफेंस मकैनिजम्स डेवलप किए उसके पीछे पीछे प्रीडेटर को चाहिए था कि मैं इसे खाऊंगा तो इसने डिफेंस मकैनिज्म बना लिया मैं इसके डिफेंस मकैनिज्म के अगेंस्ट भी अटैक करने के मकानिज्म बनाऊंगा तो प्रे जो है वो डिफेंस मकैनिज्म डेवलप करता है प्रीडेटर जो है वो अटैक के मकैनिज्म डेवलप करता रहता है और फिर जैसे ही प्रिडेटर ने अटैक मैकेनिज्म बनाया प्रे फिर से कुछ डिफेंस बना लेगा फिर प्रिडेटर को ये अटैक बनाएगा नई स्ट्रैटेजी बनाएगा तो इस तरीके से ये एवोल्यूशन चलता रहता है इसको हम को एवोल्यूशन कह देते हैं ये प्रे प्रिडेटर या पैरासाइट होस्ट या हरबी वोरी इन सब चीज़ों में देखने को मिलता है ठीक है तो यहाँ पे डार्विन फिंचज़ का पूछा था तो वो अडेप्टिव रेडिएशन इसका रहता है कि मतलब अडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है डार्विन फिंचज़ तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन अ नोवल फिनोटिपिक ट्रेड दैट हेल्प्स इन सक्सेस ऑफ अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप एंड इट्स सबसिक्वेंट रेडिएशन इज कॉल्ड देखो यहाँ पे आंसर है आपका की इनोवेशन की इनोवेशन क्या होता है ये एक ऐसा ट्रेड है जो मतलब प्रमोट कर रहा है कि स्पीशी की डाइवर्सिफिकेशन हो डाइवर्सिफिकेशन हो यानी कि स्पीशी जो है वो अच्छे से या तो उसी एरिया के अंदर अडाप्ट कर ले नहीं तो नए अडाप्टिव जोन के अंदर जाके इन्वेशन शुरू कर दे इन्वेजन का मतलब ये होता है नए एरिया में जाके और वहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं उनके ऊपर डोमिनेंट हो जाना एक तरीके से ठीक है तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए अगर कोई ट्रेड हमारी हेल्प करे तो हम उसे बोलते हैं की इनोवेशन मतलब हमारा जो ऑर्गेनिज़म है ना वो अभी तो एक पर्टिकुलर रिसोर्स मान लो उस रिसोर्स का नाम है एक्स तो अभी तो वो एक्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है उस ट्रेड के अंदर एवोल्यूशन हुई अब हम हमारा जो ऑर्गेनिज़म है वो उस एक्स रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर पा रहा है तो इस ट्रेड के अंदर एवोल्यूशन होने की वजह से ये जो ऑर्गेनिज़म है उस एरिया के अंदर किसी रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर पा रहा है यूटिलाइज़ कर पा रहा है यानी कि अडाप्ट कर लिया उसने है ना तो यहाँ पे डाइवर्सिफ़िकेशन हो गई है स्पीशी रिचनेस जो है वो बढ़ गई है तो इसी चीज़ को बस इसी ट्रेड को हम की इनोवेशन कह देते हैं ठीक है तो सबसिक्वेंट रेडिएशन का यहाँ पे बोला हुआ था सक्सेस ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ये दोनों यहाँ पे सेटिसफाई होते हैं की इनोवेशन से तो आपका आंसर ऑप्शन वन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मास एक्सटेंशन इवेंट दैट टुक प्लेस एट दी तो यहाँ पे आपको जो होता है ना जोग्राफिकल टाइम स्केल उसके बारे में लर्न करना उसके अंदर कुछ ईन्स होते हैं कुछ एरा होते हैं कुछ पीरियड होते हैं कुछ अपॉक होते हैं वो आपको लर्न करने हैं ठीक है थीके? एक एरा एरा जो होते हैं ना वो तीन होते हैं उनमें से एक होता है मीसोजोइ एरा ये जो मीजोजोइ एरा होता है इन इसकी फर्दर डिवीजन होती है इनटू टू थ्री पीरियड्स एक होता है हमारा क्रिटेशियस एक जुरासिक एक ट्रायसिक नीचे से शुरू करें मतलब सबसे पुराना हमारा ट्रायसिक है फिर जुरासिक आया था फिर क्रिटेशियस आया था ठीक है इन तीनों में से सबसे रिसेंट क्रिटेशियस तो डायनोसॉर्स को लेकर अगर मैं बात करूँ ना तो इन्हीं तीनों के अंदर डायनासॉर्स की स्टोरी होती है ट्रायासिक के अंदर पहला डायनासोर आया था मतलब डायनासॉर्स की जो एवोल्यूशन है जो शुरू हुई है ओरिजिन जो है फर्स्ट ओरिजिन डायनासॉर्स का वो ट्रायासिक में हुआ था जुरासिक में उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई अपनी डाइवर्सिफिकेशन की मतलब अपना नंबर भी बढ़ाया और डाइवर्सिटी भी बढ़ाई यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी आए क्रिटेशियस के एंड तक डायनासॉर्स का एक्सटेंशन हो गया था ठीक है ये कुछ स्टोरी है डायनासॉर्स की जो ये जोग्रफ़िकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये यह पूछा है कि कहाँ पे जाके मास एक्सटेंशन हुआ है डायनासोर्स का तो ये हुआ था एंड में क्रिटेशियस पीरियड के क्रिटेशियस पीरियड के एंड के टाइम पे डायनासोर्स मर गए थे तो सेकेंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की यहाँ पे बात करें ऑर्गेनिक एवल्यूशन का क्या मतलब होता है जब हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो रीसेंट स्पीशीज़ हैं जो मतलब स्पीशीज़ आज के टाइम पे हम देख रहे हैं ये कहाँ से आई हैं ये प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म से आई हैं यानी कि रीसेंट स्पीशीज़ को हम डिसेंडेंट्स कहेंगे और प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म्स को हम बोलेंगे एनसिस्टर्स तो एनसस्टर्स से डिसेंडेंट्स आए हैं अब इनके बीच में डिफरेंसेस क्यों हैं इनके बीच में डिफरेंसेस इस वजह से हैं क्योंकि मॉडिफिकेशंस होती हैं सक्सेसिव जनरेशन लेवल पे मतलब जब एवोल्यूशन हो रही है मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो है वो वेरिएशंस तो रहती ही है जब उन वेरिएशंस का एक्यूमलेशन होना शुरू हो जाता है ना तो नेचुरल सिलेक्शन अपना काम करती है मतलब उन वेरिएशंस के अकॉर्डिंग नेचुरल नेचर जो है वो सिलेक्ट करता है कि ठीक है इस तरीके के इंडिविजुअल्स इस एनवायरमेंट के लिए फेवरेबल हैं तो वो सर्वाइव कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिप्रोडक्टिव या जो भी उनकी फ़िटनेस है रिलेटिव फिटनेस उसके अकॉर्डिंग तो ये पूरा का पूरा इस ऐसे प्रोसेस चलता है एवोल्यूशन का चल कैसे प्री से बन रही है। तो ये डाइवर्जेंस हो, हो, हो रही है और मैंने बताया था कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कैसे होती है होमोलॉज ऑर्गन्स होते हैं इसके एग्जाम्पल और वेस्टिजल ऑर्गेन ठीक है यही चीज यहाँ पे पूछिए फॉलोइंग इम्पोर्टेंट एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कि प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म से यानी कि इंसिस्टर्स से रीसेंट स्पीशीज बनी है यानी कि डिसेंडेंट्स बनी है इस चीज़ को प्रूव कौन करता है इस चीज़ का प्रूव है हमारे पास होमोलॉगस ऑर्गन्स और वेस्टीजल्स ऑर्गन्स ठीक है यानी कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन वाले तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाता है होमोलॉगस एंड वेस्टिजल ऑर्गन्स नेक्स्ट क्वेश्चन बर्गमैनस रूल रेफर टू द जनरल टेंडेंसी ऑफ मैमल्स टू बी देखो बर्गमैन्स रूल अगर हम बात करें तो ये बॉडी के साइज़ के बारे में बात करता है कि ठंडे एरिया में बॉडी का साइज़ कैसा होना चाहिए और गर्म एरिया में कैसा होना चाहिए ठीक है अभी ध्यान से सुनना ठीक है जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म ठीक है जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा बॉडी साइज़ उतना कम सरफेस एरिया ये, ये चीज़ मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि जितना बड़ा बॉडी साइज़ उतना ज़्यादा वॉल्यूम और जितना ज़्यादा वॉल्यूम उस वॉल्यूम के कंपैरिजन में उतना कम सरफेस एरिया ठीक है तो जब मैं कह रही हूँ कि सरफेस एरिया कम है मतलब ये जो बर्गमैन ने कहा था कि सरफेस एरिया कम है बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स का यानी वो ऑर्गेनिज़म जो लार्ज साइज़ के हैं जिनकी बॉडी साइज़ ज़्यादा है उनका इन्होंने बोला कि सरफेस एरिया कम होता है ठीक है वैसे तो जो बड़े ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनका सर्फेस एरिया ज़्यादा बोलना चाहिए था बट इन्होंने बोला कम होता है क्यों क्योंकि ये उस सर्फेस एरिया की बात कर रहे हैं जब हम वॉल्यूम से उसको कंपेयर करते हैं तो सर्फेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कम होता है उन ऑर्गेनिजम्स का जिनका बॉडी साइज़ ज़्यादा होता है ठीक है तो बॉडी साइज़ अगर ज़्यादा होगा तो सर्फेस एरिया कम होगा मतलब ओब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम बट अब मैं वॉल्यूम नहीं बोलूँगी वो मैं समझा चुकी हूँ बट समझ जाना जब मैं बोल रही हूँ सर्फेस एरिया कम होता है तो मैं वॉल्यूम से कम्पेरिजन करके बोल रही हूँ ठीक है ठंडे एरिया की मैं अब बात कर रही हूँ ठीक है तो जितना ज़्यादा बॉडी साइज होगा मतलब उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज बहुत ज़्यादा है यानी उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो उस वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया कैसा हो जाएगा कम हो जाएगा तो जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म का साइज उतना कम उसका सरफेस एरिया बर्गमैन रूल को अगर हम कंसिडर करें तो सर्फेस एरिया अगर उसका कम है तो हीट लॉस ज़्यादा होगा या कम होगा छोटा सा सर्फेस एरिया तो हीट लॉस भी कम होगा अगर किसी ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है तो उसके पास बहुत सारी जगह है जहाँ जहाँ से हीट लॉस हो सकती है और अगर किसी ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया कम है तो हीट लॉस भी कम होगी तो बॉडी के वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया उनका कम होता है जिनका बॉडी साइज़ ज़्यादा होता है और क्योंकि इनका सर्फेस एरिया कम है तो इनकी बॉडी से जो हीट लॉस होगा वो कम होगा बॉडी से ये हीट को लॉस नहीं होने दे रहे मतलब जाने नहीं दे रहे ऐसे ऑर्गेनिज्म कहाँ पे मिलेंगे कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको ज़रूरत होती है कि बॉडी की जो हीट है वो उसको बॉडी के अंदर ही रखें उन ऑर्गेनिजम्स को जो ठंडे एरिया में रह रहे हैं जो गर्म एरिया के ऑर्गेनिज़म्स हैं वो क्यों हीट को अपनी बॉडी के अंदर रोकेंगे उन्हें मरना इतनी सारी हीट को बॉडी के अंदर रोकने रोक के उनको मरना थोड़ी है जो ठंडी जगह पे जो ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं उन्हें अपनी बॉडी की हीट को अपनी बॉडी के अंदर ही रखना है तो वो करने के लिए यानी कि कम करने के लिए अपना हीट लॉस वो अपना सर्फेस एरिया कम रखते हैं और सर्फेस एरिया कम कब होगा जब उस ऑर्गेनिज़म का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होगा तो यही चीज़ बर्गमैन रूल ने हमें समझाई थी कि ठंडे एरिया के अंदर ऑर्गेनिज़म्स का साइज़ ज़्यादा होता है क्यों होता है क्योंकि उनका सर्फेस एरिया कम हो जाएगा जिसकी वजह से हीट लॉस कम हो जाएगा इसका ठीक उल्टा हम अगर उन ऑर्गेनिज़म्स को देखें जो हॉट एरिया में रह रहे हैं हॉट एरिया के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनका बॉडी साइज़ होता है छोटा बॉडी साइज़ छोटा है तो सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू तो वॉल्यूम यानी वॉल्यूम से जब हम कंपेयर करेंगे तो सर्फेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा उन ऑर्गेनिजम्स का जिनका बॉडी साइज़ छोटा है ठीक है और सर्फेस एरिया ज़्यादा होगा तो जो हीट का लॉस है वो ज़्यादा होगा और वही हमें चाहिए हमें चाहिए भी नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर हीट रहे अगर हम गर्म एरिया के ऑर्गेनिज्म हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी से जो हीट है वो बाहर जाए तो ये चीज़ करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है उनका बॉडी साइज़ छोटा होना चाहिए जो गर्म एरिया के ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बॉडी साइज़ छोटा होगा तो सर्फेस एरिया ज़्यादा होगा ज़्यादा हीट लॉस होगा ठीक है बिग एनिमल जो है उनके बॉडी के वॉल्यूम के कम्पेरिजन में, में उनका सर्फेस एरिया छोटा होना चाहिए स्मॉल एनिमल्स जो हैं उनके बॉडी के वॉल्यूम के कम्पेरिजन में उनका सर्फेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए सर्वाइक करने के लिए और ये छोटे एनिमल्स कहाँ पे हमें मिलेंगे हॉट में और कोल्ड एरिया में हमें कैसे एनिमल्स मिलेंगे जो लार्जर है इन साइज ठीक है तो बर्गमैन रूल समझ में आ गया यहाँ पे देखो बर्गमैन रूल रेफर्स टू जनरल टेंडेंसी ऑफ मैमल्स टू बी लार्जर इन साइज इन कोल्डर एरियाज ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन यानी ठंडे एरिया में अगर वो है तो उनका साइज कैसा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए ठीक है समझ आ गया तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है बड़ा साइज होगा सर्फिस एरिया छोटा हो जाएगा और हीट लॉस कम रहेगा उनके लिए फायदेमंद है अब यहाँ पे पिगमेंट के बारे में भी कुछ बात की गई है ये जो पिगमेंट से रिलेटेड एक रूल दिया था वो दिया था ब्लॉगर ने ग्लॉगर ने ये कहा था कि जितना ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट जितना ज़्यादा वार्म एरिया यानी गर्म एरिया उतना डार्क पिगमेंट उतना ज़्यादा पिगमेंटेशन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम येलो कलर ले रहे हैं कोई ऑर्गेनिज्म जो डार्क एरिया सॉरी जो वार्म एरिया में रह रहा है उसके अंदर ज़्यादा पिगमेंटेशन होगी तो उसका जो कलर होगा वो होगा डार्क येलो ठीक है और कोई ऑर्गेनिज्म अगर ठंडे एरिया के अंदर रह रहा है ना तो उसके अंदर पिगमेंटेशन कम होगी तो उसका कलर होगा लाइट येलो कलर का ठीक है ठंडे एरिया के अंदर कलर कैसा होता है हल्का होता है लाइट होता है इस लाइट का मतलब ये नहीं है कि हमेशा वाइट ही होगा अगर येलो को हम कंसिडर करें तो वो लाइट शेड होगा येलो का अगर डार्क एरिया के अंदर कंसिडर करें तो येलो का डार्क शेड होगा ठीक है और इसी वजह से हमें ठंडे एरिया के अंदर वाइट कलर के एनिमल्स ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि वो लाइट कलर है ठीक तो ये चीज़ ग्लॉगर ने दी थी अगर आ जाए एग्ज़ाम में तो ग्लॉगर ने दी थी ये चीज़ ओके तो यहाँ पे बर्गमैन पूछा तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये सारी स्टेटमेंट एवोल्यूशन से रिलेटेड है पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो एवोल्यूशन है वो गोल ओरिएंटेड है गोल ओरिएंटेड कैसे हो सकता है एवोल्यूशन देखो गोल ओरिएंटेड का मतलब ये है कि हमें पता है कि हाँ ठीक है हमारा गोल ये है अब हमें इस तरीके से इवॉल्व करना है ये तो तब हो पाता है ना जब हमें पता होता कि हमारा गोल क्या है और गोल तभी पता होगा जब हम फ्यूचर प्रोडिक्ट कर पाएंगे कि ठीक है हमें पता है आने वाले टाइम में इस इस तरीके से चेंजेस आने वाले हैं तो हम इस इस तरीके से चेंज हो जाते हैं बट ऐसा तो नहीं होता है एवोल्यूशन गोल ओरिएंटेड तो नहीं होता हमें थोड़ी पता है कि आगे जाने वाला जो टाइम है उसमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं तो हम इस तरीके से इवॉल्व हो जाते हैं ऐसा नहीं होता है यहाँ पर एक प्रॉपर नेचुरल सेलेक्शन काम करता है जो भी फिटेस्ट होगा जो भी बेनिफिशियल होगा जो भी सही तरीके से काम कर रहा है रिप्रोडक्शन अच्छे से कर रहा है सर्वाइव कर रहा है फिटेस्ट की सर्वाइवल होती है और उस तरीके से एवोल्यूशन होता जाता है ठीक है तो गोल ओरिएंटेड तो नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत होगी फिर कह रहे हैं कि म्यूटेशंस जो हैं वो हमेशा हार्मफुल होते हैं यहाँ पर ये जो टर्म लिख दी ना हमेशा इसकी वजह से ये गलत है देखो म्यूटेशंस जो हैं वो ज़्यादातर हार्मफुल होते हैं ये चीज़ सच है ज़्यादातर होते हैं बट हमेशा नहीं होते क्यों क्योंकि कुछ म्यूटेशंस ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन कुछ ऐसे म्यूटेशंस भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बेनिफिशियल म्यूटेशन सबसे ज़्यादा हमारे हार्मफुल म्यूटेशन होते हैं जिसकी वजह से डेथ वग़ैरह हो जाती है हमारे फिर आते हैं न्यूट्रल म्यूटेशंस और सबसे कम सबसे रेयर होते हैं हमारे बेनिफिशियल म्यूटेशन बेनिफिशियल हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो इनकी वजह से डेथ वगैरह नहीं हो रही है दूसरी चीज़ इन्हीं की वजह से एवोल्यूशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है अच्छे तरीके से ठीक है तो म्यूटेशन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हार्मफुल हो म्यूटेशंस नहीं होनी चाहिए वेरी ट्रू बट ऐसा भी नहीं है कि म्यूटेशंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जब आप पढ़ोगे ये एवोल्यूशन वगैरह पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि म्यूटेशन भी एक रीज़न है फॉर एवोल्यूशन ठीक है बेनिफिशियल म्यूटेशन जो है वो रीजन रीज़न है फॉर एवोल्यूशन तो म्यूटेशन हमेशा हार्मफुल नहीं होते ये भी गलत हो गया फिर कह रहे हैं कि जो स्पीसीएशन है इट ऑलवेज रिक्वायर्स जोग्रफिकल आइसोलेशन विच इज़ अगैन अनट्रू ये ट्रू क्यों नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सिम्पैट्रिक स्पीसीशन सिम्पैट्रिक स्पीसीशन के लिए आपको कभी भी जोग्रफिकल आइसोलेशन की ज़रूरत है नहीं है जोग्रफिक geographic, मतलब जोग्रफिकल आइसोलेशन मतलब अलग अलग हैबिटाट में रहने ज़रूरी तो नहीं है वो ऑर्गेनिज्म एक ही हैबिटाट के अंदर रह के भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ बना सकते हैं और उसी को हम बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पीसी तो so, स्पीसीशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर बारी अलग अलग जोग्राफ़ी में इंसान या जो भी ऑर्गेनिज्म है जो इवॉल्व कर रहे हैं वो रहें ये भी गलत हो गया थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं कि वेरिएशन आर नेसेसरी फॉर नेचुरल सिलेक्शन वेरिएशन चाहिए होते हैं नेचुरल सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा सही है वेरिएशन के एक्मिलेशन की वजह से एवोल्यूशन होता है ये जो वेरिएशन है इन्हीं के अकॉर्डिंग तो नेचर सेलेक्ट करता है अगर सभी ऑर्गेनिज्म सेम होंगे और एनवायरनमेंट ने कर लिया चेंज तो या तो सारे के सारे मर जाएंगे या तो सारे के सारे सर्वाइव कर जाएंगे क्योंकि वेरिएशनस ही नहीं है तो नेचुरल सिलेक्शन होने के लिए वेरिएशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ठीक है तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट पूछी थी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट फिलासफी जुलॉजिक वॉज रिटन बाय ये किसने लिखी है फिलासफी ज़ुलॉजिक ये लिखी है लमार्क ने इनका पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट लमार्क तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इन अ स्मॉल पॉपुलेशन वेरिएशन कैन अकर इन जीन फ्रिक्वेंसीज बाई चांस रादर देन नेचुरल सिलेक्शन इट मे बी रेफर्ड एज देखो यहाँ पे इन्होंने एक तो बोला है कि छोटी पॉपुलेशन होगी ठीक है ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ ये जेनेटिक ड्रिफ्ट में होता है ठीक है ध्यान से देखना छोटी पॉपुलेशन होनी चाहिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहता है जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए यहाँ भी लिखा है कि हाँ ठीक है छोटी पॉपुलेशन होगी वेरिएशन आएंगी जीन फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन आएंगी लेकिन नेचुरल सिलेक्शन की वजह से नहीं आएंगी। ये चीज़ भी जेनेटिक ड्रिफ्ट में होता है वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन काम नहीं करेगा ठीक है बाय चांस चीज़ें होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो उस टाइम पे जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है और इस टाइम पे जो एलिमिनेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का वो किसी भी तरीके से बायास्ड नहीं होता कि ठीक है इसके पास ये फेवरेबल था ट्रेड तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसा तो नहीं होता अर्थक्वेक आता है तो वो जितने को ले कर डूबना है उसने उतनों को ले कर डूबता है फ्लड आता है तो उसमें भी जितनों को होना होता है हो जाता है अब उसमें ये तो नहीं देखते हैं कि हाँ ठीक है इसके अंदर ये चीज़ अच्छी है तो इसको छोड़ देता है अर्थक्वेक आएगा तो जो भी पॉपुलेशन अफेक्ट होनी है वो होगी ही होगी तो ये जो प्रोसेस है ये बाई चांस की बात है कि चांस की बात है कौन बचेगा कौन मरेगा ठीक है यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन या किसी भी तरीके का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो जब छोटी पॉपुलेशन है वेरिएशन भी आ रही है जीन फ्रिक्वेंसी में और बाय चांस आ रही है जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ रहा है तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं अब इसके अंदर आपको बॉटल नेक इफेक्ट और एक फाउंडर इफेक्ट ये दोनों चीज़ें भी पढ़ के जानी है ठीक है यहाँ पे जो चीज़ पूछी हुई थी उसका आंसर हो गया आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन मोनार्क एंड विसरॉय बटरफ्लाइज़ आर एन एग्जाम्पल ऑफ अब देखो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है बेटसन एंड मलेरियन इसके अंदर क्या होता है मलेरियन का मतलब होता है दोनों जो स्पीशीज़ हैं वो इनएडिबल होनी चाहिए अच्छा ये जो मिमिक्री है अगर किसी को नहीं पता है तो मिमिक्री में क्या होता है एक प्रे होता है एक प्रिडेटर होता है राइट प्रे या प्रिडेटर क्या करते हैं किसी ऐसे और, मतलब मिमिक्री करते हैं किसी की कॉपी करते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई प्रे है उसे प्रिडेटर से बचना है ये जो प्रीडेटर है वो एक्स को तो खाता है बट वाई को नहीं खाता क्योंकि वाई जो है वो इसको नुकसान कर देता है अगर ये वाई को खाएगा प्रीडेटर तो वाई इसको नुकसान कर देगा तो एक्स ने देखा कि प्रीडेटर वाई को नहीं खा रहा है तो एक्स ने सोचा मैं वाई को कॉपी कर लेता हूँ प्रीडेटर को लगेगा मैं वाई हूँ तो प्रीडेटर मुझे भी नहीं खाएगा तो इसको बोलते हैं मिमिक्री प्रे ने अपने बचाव के लिए अपने डिफेंस के लिए या अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये मिमिक्री करी किसकी मिमिक्री करी ये जो एक्स था ये एडिबल था खाया जा सकता था इसको प्रीडेटर इसको खा खा सकता था बट प्रीडेटर जो है वो उसको नहीं खा सकता था वाई को तो एक्स ने वाई की कॉपी करी यानी एक एडिबल चीज़ ने एक इनएडिबल चीज़ की कॉपी करी इसको खा सकते थे इसको नहीं खा सकते थे तो ये एडिबल था ये इनएडिबल था एडिबल जब इनएडिबल की कॉपी कर लेता है तो उसे बोलते हैं बेटसियन मिमिक्री ठीक है और अगर मान लो दोनों ही इनएडिबल हैं और इन दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है मैं इसके थोड़े बहुत ये वाले ट्रेड्स ले, ले लेता हूँ दूसरे ने डिसाइड किया कि ठीक है मैं इसके थोड़े बहुत ये वाले ट्रेड्स ले लेता हूँ दोनों को म्यूचुअलिस्टिक टाइप का एक बेनिफिट हो जाता है एक दूसरे के ट्रेड्स ले लेते हैं ठीक है थीके? इसमें भी अलग तरीके के बेनिफिट्स इनके अपने होते हैं डिटेल में आप देख लेना उसको तो उसको हम बोलते हैं मिलेरियन यानी कि दोनों ही इनएडिबल थे और दोनों ने एक दूसरे के ट्रेड्स जो हैं वो कॉपी कर लिए मिमिक कर लिए तो उसको बोलते हैं मिलेरियन अब यहाँ पे ये जो मिमिक्री है ये तो हम प्रे की बताई है मैंने अभी प्रीडेटर्स भी करते हैं ठीक है जब पढ़ोगे तो वो प्रीडेटर वाली भी पढ़ लेना ये प्रोटेक्टिव में मिमिक्री थी जो बेटसिन एंड मलेरियन में हम डिस्कस करते हैं अब बेटसिन में मैंने क्या बोला कि एक एडिबल होगा एक इनएडिबल होगा जो एडिबल होगा वो मिमिक्री करेगा किसकी करेगा इनएडिबल की करेगा ताकि बच जाए और मलेरियन के अंदर दोनों इनएडिबल होते हैं अब ध्यान से सुनना ये जो हमारा विसरोय होता है ना स्टार्टिंग में ऐसा देखा गया था कि ये मिमिक करेगा किसको मुनाक को क्योंकि मोनाक जो है वो इनएडिबल है उसको नहीं खाता प्रिडेटर विस्ट्रॉय को खाता है प्रीडेटर ठीक है तो इस वजह से इसको ना हमने बेट सेन में डाला था और आंसर की में भी इसको बेट सेन दिया है बट लेटर ऑन इट वॉज फाउंड कि ये जो हमारा विस्ट्रॉय है ये भी इनएडिबल है ये माना गया है कि जो विस्ट्रॉय है ये देखा गया है कि जो विस्ट्रॉय है वो भी इनएडिबल है अब जब क्योंकि दोनों ही इनएडिबल हो गए हैं तो ये मलेरियन का एग्जाम्पल होना चाहिए राइट बट आंसर की में बेट सेन दिया हुआ था मेरे अकॉर्डिंग ये मलेरियन होना चाहिए और बुक के अकॉर्डिंग भी ये मलेरियन होना चाहिए तो थर्टी का आंसर की के अकॉर्डिंग टू है एंड अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू बुक फर्स्ट होना चाहिए तो फर्स्ट इसका आंसर मैं टिक करती हूँ मलेरियन मिमिक्री तो आज के लिए इतना ही अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल नहीं एंड और वीडियोज़ आप चाहते हो कि चैनल के अगर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू